जे साडा इस तरीके सह घुटन की कोशिश करे तो वह नतीजे नहीं सही निकलने वो मैनू लगता भी कंगना रनौत इंटलैक्चुअली केपेबल नहीं है बट जो फिर भी आना चाहिए तो मोस्ट वेलकम है कोई इन वरिंदर सिंह नामी नौजवान की कुटमार मामले से अजनला हिंसा तो बाद लगातार विवादों में घिरे वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह के उपर डिजिटल पाबंदियां लग रही ने इंस्टाग्राम के वलों अमृतपाल सिंह का अकाउंट बैन कर दिया गया कम्यूनिटी गाइडलाइनस के आधार पर की गई इस कार्रवाई तो बाद अमृतपाल भड़क गया अमृतपाल का कहना है कि जेकर उसकी आवाज़ में इंज दबाने की कोशिश की गई तो नतीजे चंगे नहीं होंगे एक पास कहें भी पीसफुल तरीके डेमोक्रेसी के अपनी गल रखो दूजे पास साढ़े जोड़े सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने इंडिया के बैन करना और आधार बना कम्यूनिटी गाइडलाइनस न सो मैनू लगता एक कला ए नहीं एक कैपिटलिज्म ते जो एक मजोरिटेरियन स्टेट रल जाती है उदो मनोरिटी दे नाल की कुछ वापरदा है अपने सामने प्रतख उदाहरण है जिहड़े जेनोसाइडल थ्रैट देंदे है उन्हां दे कदे अकाउंट बंद नहीं होए पर जिहड़े बंदे पीसफुल तरीके नाल लॉजिक दे नाल तर्क दे दलील दे नाल इंटलैक्चुअली अपनी गल रखना चाहुंदे है उन्हां लोकां दे अकाउंट बंद करके आवाज़ सप्रैस करके फिर सानू कोई ना कोई होर राह लभना पैंदा अपनी गल करन दा जे साडा इस तरीके नाल सह घुटन की कोशिश करनगे तो वो नतीजे नहीं सही निकलने सो मैं हुण भी कहना भी जिहड़े सिख एक्टिविस्ट आ जिहड़े होर मनोरिटी के लोग आ जिन्हां नाल धक्का हो रहा यह स्टेट मजोरिटेरियन स्टेट तो हैगी आ शुरू तो पर हुण इह फासिज़म वल वध रही है जिहड़ा फासिज़म है ये किसी भी तरीके दे नाल किसी लई भी ठीक नहीं हैगा असीं तो इहदी मार चल रहे हैं 1947 तो ही पर जिहड़ा ये बाकी लोगों ने भी समझना चाहिए भी ये सारा ताना बाना जिहड़ा है ये टुटेगा तो ये फिर नुकसान सारे झलना पड़ेगा बीते दिन अमृतपाल सिंह खालसा दे वल्लों देश दे नुमाइंदियां नूं खुली चुनौती दी गई सी कि जेकर कोई भी खालिस्तान दे मुद्दे ते उस दे नाल विचार वटांदरा करना चाहुंदा है तो वह तैयार है तो वह अपनी खालिस्तान की मंग नूं जायज़ ठहरा सकता है अमृतपाल वल्लों दी गई इस चुनौती तो बाद अपने बड़बोले बोलों के कारण विवादों में रहने वाली अदाकारा कंगना रनौत भी इस मसले के विच एंट्री कर चुकी है कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा है कि वह हैरान है कि किसी ने भी अमृतपाल की इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया खासकर देश के सियासतदानों ने इस ही कंगना रनौत ने ट्वीट करके भी कहा है कि जेकर खालिस्तानी उसे मारन कुटन या गोली ना मारन तो वह अमृतपाल की चुनौती को स्वीकार करती है इस सब के बारे जब अमृतपाल को सवाल किया गया तो अमृतपाल कंगना रनौत के बारे की बोले तुसीं खुद ही सुन लो मैनू लगता भी कंगना रनौत इंटलैक्चुअली केपेबल नहीं हैगी बट जे फिर भी आना चाहती तो मोस्ट वेलकम है कोई इदां दी गल जिक्र खास है कि बीते दिन चमकौर साहिब के नौजवान वरिंदर सिंह की शिकायत ते पंजाब पुलिस के वलों अमृतपाल सिंह उसके पांच साथियों ते भी अनपछातियां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी ते इस दे तहत पुलिस ने कार्रवाई करदिया होया अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान नूं गिरफ्तार किया सी ते अपने इसी साथी की रिहाई के लिए अमृतपाल सिंह के वलों वड्डा इकट्ठ किया गया प्रशासन से दबाव बनाया गया ते उसकी रिहाई करवाई गई मसला यह है कि इस सब के दौरान अमृतपाल सिंह की भड़काऊ बयानबाजी भड़काऊ गतिविधियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई के विच वड्डा इकट्ठ करना थाने ते कब्जा कर लेना इस सब ने जिथे कुछ दे लई अमृतपाल सिंह दे अक्स नूं हीरो दी तरह पेश कीता उथे कुछ दे लई अमृतपाल सिंह नूं विलन दी तरह पेश कीता गया ते इस सब ने पंजाब दे माहौल नूं प्रभावित करन दी कोशिश कीती है ते इही वजह है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के थाणियां तक ले जाण वाले किसी भी पक्ष तों पंजाब ते पंजाबीयत दे वारिस नहीं हो सकते थोड़ा इस सब मामले दे बारे विच की कहना है कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसो ते उन्हां कमेंट्स दे उपर विचार चर्चा करांगे ए वी पी सांझा ते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ